गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत पहले तो शरीफ हुआ करती थी। उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो होता है ना, इंसान के अंदर जब आग जलती है तो जितने भी वो शरीफ हो कुछ वैसा काम कर ही जाती है। इसी पर है आज की कहानी, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी अंजलि की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों मैं अंजलि, वैसे तो मैं बहुत ही शर्मीली सी लड़की थी, अभी नहीं पहले, अब तो मैं बहुत चुलबुली सी हो गई हूँ। आज मैं आप सबके सामने मेरी जिंदगी की उस पल को लेके आई हूँ जब मैं पहले कैसे शर्मीली से चुलबुली बन गई। जी आप सुनिएगा मेरी कहानी और बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी रूप पसंद आई। चलिए मैं अब आपको कहानी सुनाती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइफ में बहुत अच्छी थी। हाँ मैं शर्मीली तो थी, लेकिन मैं सिंगल नहीं थी, मैं मिंगल थी। असल में जब मैं 11th क्लास में थी ना, तभी एक लड़का जो मेरी एक दीदी है जो मेरी पड़ोस में रहती है, उसका बॉयफ्रेंड का दोस्त जिसका नाम ऋषभ था, उससे मेरी मुलाकात वो मेरी पड़ोस वाली दीदी ने कराई थी। और फिर धीरे धीरे मैं और ऋषभ दोस्त हो गए। पता है कैसे? वो दीदी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी और यहाँ मैं और ऋषभ अकेले खड़े रहते थे, तो हम दोनों की दोस्ती हो गई और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और ऐसे मैं ऋषभ से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई। ऋषभ से मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चलता था, उसे पता था मैं बहुत शर्मीली हूँ। ऋषभ से पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, शायद इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा शर्मीली थी। और ऋषभ से मैं बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। हाँ अब बोलोगे कुछ भी, तो मैंने उसे यहाँ तक कहा था कि अगर वो शादी नहीं करेगा मेरे से तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इस पर उसने कहा था कि पागल है क्या, मैं तेरे से शादी करूँगा और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे ही हमारी रिलेशन बहुत अच्छी चली। फिर मेरी 12th पढ़ाई कंप्लीट हुई और 12th में अच्छा नंबर आया था, क्योंकि ऋषभ मुझे हमेशा सपोर्ट करता था पढ़ने के लिए। तो 12th में अच्छे नंबर्स के बाद मैं ऋषभ के साथ बड़े शहर से चुन गई। हाँ ऋषभ भी मेरे साथ गया था, क्योंकि ऋषभ चाहता था कि मैं आगे पढ़ूँ, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी। इसीलिए तो ऋषभ और मैं एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मैं वहाँ हॉस्टल में रहती थी और सच कहूँ तो मेरे लिए लाइफ का ये पल बहुत खास था। क्यों पता है? क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं हमेशा अपने घर पे रहती थी, किसी को नहीं जानती थी उतना, लेकिन जब मैं बाहर शहर पे गई तो बहुत सारे मेरी दोस्त बनी। मैं हॉस्टल में रहती थी तो बहुत सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती हुई। मैंने देखा कि वे तो सिंगल थे, पहले मुझे लगता ये अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करते, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ को तो मैं ही इंजॉय नहीं कर रही हूँ, वो लोग तो कर ही रही हैं, क्योंकि वो लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टीज वगैरह करती। मुझे भी बहुत मन होता पार्टीज करने का, लेकिन क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड था वो मुझे रोकता था, ये मत करो वो मत करो, तो मैं शांत शांति रहती। वैसे भी मैं ज़्यादा दोस्त बनाना प्रिफर नहीं करती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं शर्मीली से चुलबुली कैसे बनी। दोस्तों जब मैं बड़े शहर में आई तो मुझे ऋषभ से मिलने का कभी कभी मौका मिल जाता। ऐसे में मैंने ऋषभ के साथ प्यार में सब कुछ कर दिया। अब सच कहूँ तो ये सब मेरे लिए एकदम पहली बार था और बहुत नया था। उसके बाद ये सब बार बार होने लगा, ऐसा नहीं कि एक बार, लगभग हर सप्ताह ये सब कुछ होने लगा। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही एक बार ऋषभ को अपने घर पर कुछ काम पड़ गया, जिस वजह से उसे घर जाना पड़ा।
वो घर चला गया तो यहाँ पर मैं अकेली हो गई। अब आपको तो पता ही है कि जब कोई इंसान एक बार कुछ करता है तो उसे फिर बार बार करने का मन करता है, तो मैं भी बार बार वो सब कुछ सोच लेती। और क्योंकि मैं बार बार ये सब कुछ सोचती तो फिर मैं अकेले बहुत बुरा लगता। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि एक काम करो, तुम्हारा बुरा लगने से एक अच्छा हमारे पास सॉल्यूशन है। तो मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हमारे साथ पार्टीज वगैरह करने चलो। मैंने बोला कि यार मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं मानेगा। तो उसने कहा उसे पता कैसे चलेगा, जब तुम बताओगी तभी ना पता चलेगा। मैंने कहा हाँ ये भी तो है। और फिर उसके बाद मैं उन लोगों के साथ पार्टीज वगैरह करने चली गई। वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त बने, लड़के दोस्त भी, बस दोस्त थी। और मैं ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन उन सब ने मुझे कहा कि यार ड्रिंक करो, लाइफ के ये सब न्यू पल को एंजॉय करो। फिर मैंने पहली बार ड्रिंक किया। सच कहूँ तो मुझे बहुत अजीब टेस्ट लगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया टेस्ट। लेकिन फिर उसके बाद एक दो बार करने के बाद मुझे भी अच्छा लगा। और फिर मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ टाइम स्पेंड करती, क्योंकि ऋषभ घर पर था तो वो मुझसे बात नहीं कर पाता। ऐसे में ज़्यादा देर मैं फ्रेंड्स लोग के साथ ही घूमती फिरती रहती थी। और ऐसे में मैं बहुत सारे लड़कों से भी मिली जिनके साथ मैंने दोस्ती किया। और फिर सबके साथ इस तरह घूमना फिरना मस्ती करना मेरी आदत बन गई। तभी मेरे हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम्स आई, और जिस प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो हॉस्टल छोड़ के फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। मैं अपने दोस्तों के साथ थी, तो वो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो लोग हर दिन कोई ना कोई लड़का दोस्त को अपने घर बुलाता था, पार्टीज होती थी, तो मैं भी ये सब पार्टीज करने लगी। सच कहूँ तो इन सब में धीरे धीरे मेरे बॉयफ्रेंड से दूरी आ गई। और फिर मैं उसे झूठ बोलने लगी मेरे बॉयफ्रेंड को, क्योंकि मुझे पता था कि सच बोलूंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा इसीलिए। तो फिर धीरे धीरे मैं उन सब के साथ क्लोज होती गई और अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ा बहुत दूर होती गई, जिस वजह से मैं अपने बॉयफ्रेंड से एक दिन ब्रेकअप हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने पर, क्योंकि मैं अपने लाइफ के सबसे अच्छे पल में अब थी, और ये सब बस मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से ही हुआ था। उसी की वजह से मैं शहर आई थी, उसी की वजह से सब कुछ हुआ था, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा। खैर फिर मेरे फ्रेंड्स ने समझाया, यार लाइफ में ये सब तो होते रहता है, लाइफ है एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करो। और फिर मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ लाइफ में बिजी हो गई, जहाँ पर हम रोज नहीं तो वीक में 3 से 4 दिन पार्टीज वगैरह तो जरूर करते और बहुत लाइफ को एंजॉय करते। और इस तरह मैं शर्मिली से चुलबुली बन गई। दोस्तों आपको क्या लगता है, मुझे आप कैसा बिहेव करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मैं शर्मिली ही ज़्यादा अच्छी थी? अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे अपना ये नया रूप अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम मैं लाइफ को अपना खुल के एंजॉय कर रही हूँ। आप क्या सोचते हो उस बारे में कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना यार, ऐसे ही मत जाना। चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।